हेलो फ्रेंड्स, अगर आप वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या पर आपका पहले से रजिस्टर्ड था वो मोबाइल नंबर खो गया है, चोरी हो गया है और आप दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपकी वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से सिर्फ 2 मिनट में वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे वोटर्स ईसीआई, टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं voters.eci.gov.in। सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप वोटर सर्विस पोर्टल पर आ जाएंगे और इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंट करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्सिटिंग इलेक्ट्रोल। इसके नीचे आपको फिल फॉर्म 8 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपका इस वेबसाइट में पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहां पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को टाइप कर लेंगे और नीचे पासवर्ड को टाइप कर लेंगे, कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप इस वेबसाइट में पहली बार आए तो यहां पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करके आप आसान तरीके से एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो जिस मोबाइल नंबर से मेरा अकाउंट बना हुआ है वो मोबाइल नंबर यहां पर टाइप कर लेता हूं। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं पासवर्ड, जब भी आपने अकाउंट को क्रिएट किया था उसमें जो भी आपने पासवर्ड को बनाया था उस पासवर्ड को यहां पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। पासवर्ड को टाइप करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको नीचे कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो नीचे आपको रिफ्रेश का बटन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करके आप कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी कैप्चा कोड दिया गया मैं उसको नीचे फिल कर लेता हूं। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद अब यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर को टाइप किया था उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को नीचे फिल कर लेंगे। ओटीपी को फिल करने के बाद अब यहाँ पर वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आप वापस उसी पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर फिर से फिल फॉर्म 8 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप खुद की वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। और अगर आप अपने परिवार में किसी के भी वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर अदर इलेक्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ईपिक नंबर, आप जिसके भी वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर को अपडेट या फिर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उस वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप कर लेंगे। वोटर आईडी कार्ड नंबर को टाइप करने के बाद अब यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपने जिसका भी वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप किया था उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करने के लिए साइड में स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्सिटिंग इलेक्ट्रोल रोल, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड का एप्लीकेशन है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्सिटिंग इलेक्ट्रोल रोल। इसके नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड या फिर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको नीचे से दूसरे नंबर पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, जो भी आप अपने वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस, आप जिस भी स्थान से अपने वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर को अपडेट कर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। प्लेस का नाम टाइप करने के बाद अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा
रहा है उसी तरीके से आपको नीचे कैप्चा कोड को फिल कर लेना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद अब यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी आप अपने वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते थे उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को नीचे फिल कर लेंगे। ओटीपी को फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे। सबमिट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने फॉर्म को सबमिट किया उसका प्रीव्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपका फॉर्म है इसमें आप सही तरीके से अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू शेयर, यानी कि जो भी आपने मोबाइल नंबर को टाइप किया उस मोबाइल नंबर को आप अपने वोटर आई डी कार्ड में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और जो भी आप वोटर आई डी कार्ड मोबाइल नंबर को अपडेट कराना चाहते थे उसका जो भी फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपके वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा या फिर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपने वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।